हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के क्विज अभ्यास, जिसमें 31 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्माइल 3.0 के क्वेश्चंस, उनके आपको सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप सभी को अपने अपने व्हाट्सएप पर PDF मिल चुकी है और आपके आंसर्स अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। जल में से रंग को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? जल में से रंग को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो देखिए, जल में से जब रंग को पृथक करते हैं तो उसके लिए किया जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि द्वारा हम जल में से रंग को पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन विधि से किन द्रवों को अलग कर सकते हैं? तो देखिए, आसवन विधि से हम जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं, जिन द्रवों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड वाला करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? छानने से नहीं मिलता है, निष्पावन से नहीं मिलेगा, निथारने द्वारा भी नहीं मिलेगा। तो समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, कहलाता है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसवन की विधि में कौन कौन सी प्रक्रियाएं गठित होती हैं? आसवन की विधि में कौन कौन सी प्रक्रियाएं गठित होती हैं? तो आसवन की विधि में वाष्पन एवं संघनन, वाष्पन एवं संघनन जो प्रोसेस होता है वो प्रक्रियाएं गठित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। कच्चे तेल क्रूड ऑयल से विभिन्न प्रकार के ईंधनों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इन्हें अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक को अमोनियम क्लोराइड से पृथक करने की विधि कहलाती है? नमक को अमोनियम क्लोराइड से पृथक करने की विधि कहलाती है ऊर्ध्वपातन। नमक से जब अमोनियम क्लोराइड को अलग करते हैं तो वो ऊर्ध्वपातन विधि के अंतर्गत किया जाता है। वायु में ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि कहलाती है? वायु से यानी एयर से जब ऑक्सीजन को अलग किया जाता है तो वो विधि होती है हमारी आसवन विधि। आसवन विधि द्वारा वायु से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी को इनके आंसर्स करेक्ट मिल सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले हमारे नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।